नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धनतेरस पर क्या खरीदें क्या ना खरीदें, इसके साथ साथ किस तरीके से पूजा करें, क्या शुभ मुहूर्त होगा, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य राज मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। तो धनतेरस पर शुभ मुहूर्त क्या है ये बता दीजिए। धनत्रयोदशी पर अगर देखा जाए शुभ मुहूर्त की बात, तो 5:18 से लेकर के 8:17 का जो समय है वो सबसे शुभ समय है धनतेरस पर जी। और उसका पूजा विधि विधान, पूजा विधि विधान बहुत सुंदर है। शायद धनतेरस पर आप लोग जानते नहीं हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बड़ा खास है आपके लिए। सबसे पहले जो भी दीपावली में आपको पूजन में सामग्री का प्रयोग करना है उसको प्लीज जरूर लेकर के आइए। वो धनत्रयोदशी के दिन ही खरीदा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, धनत्रयोदशी के दिन स्वर्ण ही खरीदा जाए ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। वो लोग मायूस ना हो जिनके पास सोना खरीदने का पैसा नहीं है। किसी से कर्ज वर्ज लेकर के सोना नहीं खरीदिएगा। मिट्टी का बर्तन भी अगर दीपावली के पूजा में प्रयोग करते हैं तो उसको लेकर के आइएगा, उससे पूजन कीजिएगा। ये बहुत खास है आपके लिए। धनत्रयोदशी के अंतर्गत माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्रादुर्भाव हुआ था, उनका प्राकट्य हुआ था। ऋषि धन्वंतरी जो भगवान विष्णु के स्वरूप है उनका प्रादुर्भाव हुआ था, उनका प्राकट्य हुआ था, इसलिए दोनों को मनाया जाता है। झाड़ू धन जरूर खरीदा जाता है धनत्रयोदशी के दिन, तो झाड़ू लेकर के आइएगा और झाड़ू की पूजा की जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। झाड़ू को तिलक किया जाता है, झाड़ू के अंदर उस दिन मोली भी जरूर बांधी जाती है। आखिर क्यों ऐसा किया जाता है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला विषय हो जाता है। जिस प्रकार श्री रामचरित मानस में लिखा है कि तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना, जब लगी उर्ण बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कड़िभाता। हृदय में तब तक एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रहता है जब तक परमात्मा निवास ना करे। तो परमात्मा हृदय में आते हैं, हृदय क्लीन हो जाता है। हृदय क्लीन परमात्मा करते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, राइट। इसी प्रकार से घर क्लीन किससे होता है, सफाई की सामग्री से, यानी झाड़ू इत्यादि से। इस कारण से हम लक्ष्मी जी का स्वरूप झाड़ू को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो झाड़ू जरूर लाना है जी। और भगवान धनवंतरी को खुश करने का मंत्र भी बता दीजिए। बहुत सुंदर मंत्र प्रारंभ करना चाहिए। महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है और वो भगवान विष्णु के जो स्वरूप धनवंतरी है उनका प्रादुर्भाव हुआ है, उनके लिए कोई खास मंत्र करने की जरूरत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बहुत सुंदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को 108 पहले जरूर जपना चाहिए और फिर माता लक्ष्मी का गायत्री मंत्र, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, श्रद्धा पूर्वक इसको जपना चाहिए। दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, कुबेर जी भी साथ में प्रसन्न होते हैं जी। घर के हर कोने में धन वर्षा हो जाए ऐसा भी मंत्र बता दीजिए। और क्या लेकर आना है उसके लिए कि सुख समृद्धि हमारे घर पर उसकी वर्षा। देखिए, मेरे दृष्टि से जो सबसे खास लेकर के आना चाहिए, एक तांबे का कलश जरूर लेके आना चाहिए। उसके अंदर चावल और केसर और 5 और गोमती चक्र, गोमती चक्र कौड़ी दोनों रख देने से धनवंतरी और लक्ष्मी दोनों के प्राकट्य का स्वरूप माना जाता है। एक लाल कपड़ा उसके ऊपर बांध करके और घर के मंदिर में जरूर स्थापित करना चाहिए। पूरे वर्ष आपके यहाँ मैं ये तो नहीं कह सकता कितना धन आएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कंगाली नहीं आएगी। दरिद्र नहीं होना पड़ेगा, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। दरिद्रता दूर करने के लिए ये सब चीजें आपने बताई, सबसे सुंदर। लेकिन वो भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो नहीं लाना चाहिए खासतौर पर। मनोजी, जब नहीं लाने की बात करूंगा तो बड़ा बड़ी बड़ी सारी कंट्रोवर्सी हो सकती है। अच्छा, आप एक चीज देखते हैं, पता है दिवाली पर भगवान राम का आगमन हुआ था, माता लक्ष्मी का पूजन होता है। शायद ही कोई इतना लाइन कहीं आपने देखा होगा भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति खरीदने के लिए या पूजा का सामान खरीदने के लिए, जितना लाइन आप शराब के ठेके पर देखेंगे। तो जो नहीं लाना चाहिए उसको हम होली दिवाली में जरूर लेकर के आते हैं, और जो भगवान गणेश और लक्ष्मी को लेकर के आना चाहिए शायद उसको हम नहीं लेकर आते हैं। तो शराब इत्यादि, मांसाहार इत्यादि नहीं लाना। अच्छा, लोहे के बारे में भी सुना है, लोहा कांच। लोहा नहीं लाना चाहिए, कांच क्योंकि राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो जनरली लोहा और कांच नहीं लेकर के आना चाहिए। लेकिन उसके साथ कुछ वहां पर विधान है। शास्त्र में ये कहा गया कि कुंभ और मकर राशि के लोगों के लिए लोहे पर इन्वेस्ट करना फायदेमंद होता है धनत्रयोदशी के दिन या दीपावली के दिन। तो लोहा खरीद करके लाने का विधान नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैंने वो बताया कि जो सबसे ज्यादा लेकर आई जाती है वही एक्चुअल में नहीं लेकर के आना।
होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और ये मैं आपसे समझना चाहूँगी कि नेगेटिव ऊर्जा घर से बाहर निकले, बीमारियाँ घर से बाहर निकल ले, इसके लिए आप क्या बताएंगे? मेरे हिसाब से धनत्रयोदशी इसके लिए सबसे सुंदर त्यौहार है, क्योंकि चाहे वो शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो, अगर नेगेटिव ऊर्जा की बात की जाती है, नकारात्मक चीजों की बात की जाती है, तो जनरल सी बात है वो एक प्रकार का रोग है। शारीरिक रोग इस संसार में दूर करना आसान है, लेकिन मानसिक रोग को दूर करना इस संसार से बहुत मुश्किल होता है। तो जो मनोरोग है उसको दूर करने के लिए धनत्रयोदशी से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता है। और मनोरोग दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? धनत्रयोदशी के दिन गंगा जल रख करके और मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र को 108 बार नेत्र को बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करते हुए श्रद्धा पूर्वक जप कीजिए। मैं एक बात बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, यदि श्रद्धा से कर लिया तो जप करने से पहले अपना बीपी नाप लेना और जप करने के बाद नाप लेना, आपको ना बैलेंस दिखे तो मुझे बताना। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य राज मिश्रा जी, खूबसूरत उपाय हमें बताने के लिए, वक्त देने के लिए। तो दर्शकों आज इस पॉडकास्ट के एपिसोड में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।